Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Husaini Nadwi, a great thinker and Islamic scholar. Alhamdulillah <laughs> wa kafa wa salamun ala ibadihi nastafa amma ba a'udhu billahi minash shaitani rjeem وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسخوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. صدق الله العظيم. برادران إسلام. دختران إسلام. آج. ميه. आपसे उस दर्द का जिक्र करना चाहता हूं, जिसका एहसास पूरी दुनिया का हर मुसलमान कर रहा है पूरी दुनिया में हर साहब ईमान आज बेचैन है वो लोग के जो इस्लाम के खुले दुश्मन हैं यहूदी हैं ईसाई हैं मुशरक़ हैं उनके मजालिम तो हमेशा से होते चले आ रहे हैं लेकिन वो जो नाम नहाद मुसलमान हैं वो जो अपनी नस्बत इस्लाम की तरफ़ करते हैं और ख़ास तौर पर वो को जो अरब पर काबिज़ हो गए हैं वो के जिन्होंने खिलाफत इस्लामिया का खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा किया और अंग्रेज़ों की एजेंसी खोली वो अले सऊद की हुकूमत के जो अंग्रेज़ों के तान से कायम हुई शाह अब्दुल अज़ीज़ का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो अंग्रेज़ों के मुलाजिम थे ये बात पूरी तहक़ीक़ से साबित हो चुकी है कोई भी इंसाफ़ के साथ मुता करना चाहे तो उसके सामने तारीख़ी हकायक मौजूद है और उनके बाद जो भी हुक्मरान अल सऊद के होते रहे उनके बारे में जो भी चाहे तफसीलात जान ले कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है उन्होंने कौन सा निज़ाम अरब में बरपा किया उन्होंने हरमैन के ज़रिए से किस तरह से मुसलमानों का इससाल किया और उनके साथ ये धोखा किया कि वो हराम के मुहाफ हैं लेकिन पूरे मुल्क में उन्होंने मगरबियत की ऐसी मजबूत जड़ें क़ायम कर दी कि जिनको अब खो, खो खोदना और जिनको उखाड़ना आसान नहीं है जिन्होंने बाद के दौर में 1948 सौ कि पहले से और फिर 1948 के माबद सहयूनीत के साथ वो ताल्लुकात क़ायम किए जिनके नतीजे में आ, उस नाजायज़ रियासत को पूरा फ़रोग हासिल हुआ उन्होंने कभी उस नाजायज़ रियासत के ख़िलाफ़ कोई कदम नहीं उठाया एक कंकरी भी उसको नहीं मारी तो एक तरफ़ उनका ताल्लुक साहयूनीत से रहा और दूसरी तरफ उनका ताल्लुक सलीबियत से रहा और इसको वो हमेशा गिलाफ काबा से छुपाते रहे ढकते रहे लेकिन धीरे धीरे हकीकत खुलती है देर लगती है लेकिन हकीकत खुलती है और आज जो सूरत हाल इधर ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान जैसे मुजरम व मलून के दौर में सामने आ रही है वो इतनी तकलीफ तकलीफ़देह है इतनी शर्मनाक है ऐसी बेहयाइयों पर मबनी है कि पूरी दुनिया का मुसलमान दुखी है पूरी मिलत इस्लामिया इस वक्त दर्द से करा रही है पूरी मिलत इस्लामिया जो मनाजिर देख रही है कि नबी पाक आलतम का जो ख़ास मुल्क था जिसको आपने फतेह फरमाया जिसको अरब का नाम दिया गया जो या एतवार से भी इसी नाम से मौसूम है और जिसके बारे में यह हिदायत दे दी कि यहाँ ना यहूदियों को रहने देना है ना ईसाइयों को ना मुशरिकों को उस जजीरतुलरब पर किस तरह अंग्रेज़ों के तान से यहूदियों के तान से इस ख़ानदान का कब्ज़ा कराया गया और उसके बाद उसका होलिया बिगाड़ने के लिए क्या क्या कार इस्तेमाल किए जा रहे हैं और किस तरह से एक फ़ैसला कर लिया गया है कि इस पूरे मुल्क में दाली निज़ाम को बरपा कर देना है यहूदियों को सहायों को मुकमल आज़ादी देना है और सलीबियत के जूते सीधे करने हैं सबको मालूम है कि जब ट्रंप सऊदी अरब आया था और जिस तरह आलम इस्लाम के सरबराहों को जमा करके सऊदी सरबराहों ने ट्रंप के सामने सबको झुकाया था और ट्रंप ने जिस तरह मुसलमानों का मजाक उड़ाया था भक्ति कसी थी और उन उसकी खिदमत में जिस तरह साढ़े चार सौ मिलियार डॉलर पेश किए गए थे और उसके बाद फिर वो सऊदी अरब में अल सऊद के नाच गानों में शरीक हुआ था उसकी बेटी भी उसकी बीवी भी नंगे पन के साथ और बेहयाई के मनाजिर के साथ शरीक रहे और मुसलमानों के जो हुक्मरान हैं वो उस मुजरिम द्यूस के साथ नाचते रहे और तमाशे दिखाते रहे और पूरी दुनिया के सामने बेशर्मी का मुजाहरा करते रहे और फिर उसके बाद वो सऊदी ममलकत से सीधे तल अबीब गया कि मैं वहाँ से नजराने भी ले आया और मैंने उनको ताबे कर दिया है और तल अबीब में जाकर उसने इसराइली हुक्मरानों को खुशखबरियाँ दी और फिर वहाँ उनसे मुलाकात के बाद और वो दीवार हरम की जो दीवार गिरिया उनके यहाँ कहलाती है वहाँ जाकर उसने मज़बी मरासिम का मुजाहरा किया और फिर वो वेटिकन सिटी गया जहाँ उसने पोप से मुलाकात की और सलीबियों को जाकर खुशखबरी दी कि हमने आलम इस्लाम के मरकज़ को तो पूरी तरह से दबोच लिया है और अब वहाँ के लोग जजिया देने पर मजबूर हो गए हैं वो मेरी ख़िदमत में नजराने पेश कर रहे हैं और मैंने उनसे कह दिया है कि दो हफ्ते भी तुम्हारी हुकूमत नहीं रह सकती अगर हमारी सरपरस्ती ख़त्म हो जाए ये सारे बयान सामने आए और हैरतनाक बात उस वक्त भी सबके सामने आई वो बयान सबके सामने है और आंखें फटी की फटी रह गई जब हरमैन शरीफे के ज़िम्मेदार आला और इमाम हरम शेख अब्दरम सदैस ने वाशिंगटन का सफ़र किया और वहाँ उन्होंने बयान दिया कि इस वक्त दुनिया के दो सरबरा हैं एक ट्रंप और एक मोहम्मद बिन सलमान जो साहिल अम की तरफ इस दुनिया को लेकर जा रहे हैं तो ये सारी हकीकतें सामने आती रही हैं और उसके बाद न्यूम सिटी का खूब शोर मचाया गया जो दज्जाल का मरकज़ बनाया जा रहा है और जिसको इसराइली कंपनियों के हवाले किया गया है तो बहरहाल जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ साथ जो अयाशियाँ हो रही हैं आप किसी वक्त भी नेट पर देखना चाहें अल सऊद के खानदान के जवानों को देखिए इनके हुक्मरानों को देखिए इनकी तफसीलात को देखिए खबरें मत पढ़िए इनके वीडियोस देखिए शाह फैद के देखिए शाह अब्दुल्ला के देखिए शाह सलमान के देखिए और खास तौर तो पर मोहम्मद बिन सलमान के देखिए इनके वीडियोस देखिए तो अगर आपके अंदर हया होगी और शर्म होगी तो आप चीख पड़ेंगे और आप ये कहेंगे कि हरगिज हरगिज मुसलमानों की इनकी तरफ कोई नस्बत नहीं होनी चाहिए और मुसलमानों को ये ऐलान कर देना चाहिए कि हम इन्हें नहीं मानते हैं ये नाजायज़ गसब करने वाले हरम की ज़मीन पर कब्ज़ा करने वाले हैं और इन्होंने अरब में यहूदियों को लाकर कर आबाद किया अमरीकन अड्डे क़ायम किए और सलीबियत के हवाले पूरे मुल्क को कर दिया और उसके बाद इसी पर बस नहीं किया बल्कि मुशरिकाना मज़ाहिर भी ज़ाहिर करने शुरू कर दिए तो एक तरफ अयशियाँ घर थिएटर नाच गाने और औरत का पूरा एक सिलसिला वो सब के सामने आता रहा मुसलसल आता रहा और जब ये सारा अमल होता रहा उसी के साथ साथ बेानतहा मजालम परलबा पर जुल्म गुनाहों पर जुल्म ख़वातिन पर जुल्म म इल्म और अहल अदब पर जुल्म हज़ारों की तादाद में और तलबा और और, और सालीन व मुसलह सऊदी हुकूमत की जेलों में है जिनमें अ मैं हरम भी हैं उन उनको भी नहीं बख्शा गया कि उन्होंने उन्होंने भी कैसे असलाह की बात की उन्होंने भी कैसे जरत की कि वह अम्र बिल्माफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीजा याद दिलाएं उनको जब यह समझा दिया गया था कि जो हम कहेंगे उसी को कुरान समझो जो हम कहेंगे उसको सुन्नत समझो ये सब जब हो रहा था तो हैरत होती थी इस पर कि हिंदुस्तान और सगीर के कुछ मौलवी जो अपने को सलफ़ी कहते हैं जो सलफ़ की तरफ अपनी नस्बत करते हैं वो इस जयूस और मुजरम और खबीस हुकूमत की तारीफ़ें करते रहे और ये कहते रहे किताब सुन्नत पर यह हुकूमत कायम है उन्हें शर्म नहीं आती वो इतने बेहया हो गए कि वो क़रन सुन्नत का मजाक उड़ाने में लगे हुए हैं और क़ुरत में जिन चीज़ों के बारे में बड़ी सराहत के साथ नकीर की गई है और सख्त नफ़रत और कराहत पैदा की गई है वो उन सब के होते हुए इस हुकूमत की तारीफ़ करते हैं इस हुकूमत के हुक्मरानों का हाल ये है कि आप जब चाहिए सुन लीजिए वो अपनी किसी तकरीर में ना अरबी सही बोल पाते हैं ना कुरान की कोई एक आयत सही पढ़ पाते हैं कुरान की एक आयत सही नहीं पढ़ पाते ये मुजरिम ऐसे ख़तरनाक मुजरिम है कि इनकी नस्बत कुरान से नहीं है और ये कहा जाता है कि किताब सुन्नत के मुताबिक ये हुकूमत चल रही है इससे बड़ा कोई दजल और फरेब नहीं क्योंकि ये दज्जाली निज़ाम है इसलिए जाहिर है कि इस दज्जाली जाली निज़ाम के मौलवी भी दज जाली मुफ्ती दज हैं काजी दज हैं इसके जितने भी चहले हैं वो दज जाली हैं और ये हुकूमत जो हरकतें कर रही है कि मदीन मनोवरा में घर और जद्दे में तो थिएटर और हिंदुस्तान से अदाकारा और अदाकाराएं बुलाई गई और अमेरिका से अदाकारों को बुलाया जाता है यूरोप से बुलाया जाता है और अभी अभी जो ताज़ा इवेंट सामने आया है और रियाज में जो फेस्टिवल मनाया जा रहा है रियाज में जो त्यौहार मनाया जा रहा है रियाज़ में जो इस वक्त तफरी प्रोग्राम मुनद किया गया इक्तीस अक्टूबर को उस प्रोग्राम में लबनान की अदाकारा हैफ़ा वहबी को बुलाया गया जो अपनी उरियानियत में अपने रक़ व सरूद और अपनी उरियानियत में मारूफ है लबनानी जानते हैं आलम अरबी के लोग जानते हैं और इससे पहले जाहिर के जिनको भी बुलाया गया जिन अदाकाराओं को और अदाकारों को बुलवाया गया उनके ज़रिए जो बेहयाई जो बेशर्मी जो बदतहजीबी दिखाई गई इन मुसलमानों को चढ़ाया गया और इस्लाम का मजाक उड़ाया गया और अरब में अल्लाह और उसके रसूल के गज़ब को भड़काया गया और लानत के इस्तेहकाक का गोया ऐलान कर दिया गया कि अल्लाह अगर तू इसको पसंद नहीं करता तो पत्थर भेज हम पर अजाब नाजिल कर गोया नौबत अब इसकी आ चुकी है कि वो ये कह रहे हैं और ऐसी शक्ल में जो अपने को उलमा कहते हैं जो अपने को सलफी कहते हैं उन्हें क्या हो गया है मैं तो सलफ़ी मदारस के तलबा से कहता हूँ नौजवानों से कि अपने नाजिमों और मोहतमों से कहो कि ये सब जो मनाजिर हैं ये बेहई ये जुल्म ये झाती और जो मुसलमानों का बैतलम है उसका अयाशियों के लिए इस्तेमाल उसका सलीबियत के लिए इस्तेमाल सहयूनीत के लिए इस्तेमाल मिलियनों उसके अभी यूक्रेन को दिए गए फिलिस्तीन को नहीं दिए गए उनके लिए कुछ नहीं है उनको उनके लिए ये फतवा है कि वो वो दहशतगर्द है और जो भी उनकी बात करे या जो भी इसराइल से मुकाबला करें मसला वह दहशत गर्द हैं और जो आज़ादी के साथ हक़ की बात करें वो गर्द है एक ऐसी मुजरिम हुकूमत एक ऐसी मलून हुकूमत मुसलत है और उसकी लानतें सामने आती चली जा रही हैं और रोज़ रोज़ कोई नया वाक़ा सामने आता है जिसके बारे में आ, सारे चैनल भी बयान करते हैं अखबार में जिक्र आ रहा है सोशल मीडिया पर तो आ, लाखों अफराद हैं जो मजम्मत कर रहे हैं जो नफरत का इजहार कर रहे हैं इसी सिलसिले में उधर जिद है इनाद है उधर यह तय है कि इस्लाम की जड़ें खोद देना है उधर यह तय है कि जज निज़ाम को बरपा करके रहना है इसी सिलसिले की ताज़ा कड़ी यह आपके सामने है इसी सिलसिले की ताज़ा कड़ी यह आपके सामने है अब गौर से आज के अखबार इनकलाब रोजना इनकलाब में जो ख़बर आई है जाहिर कि ये ख़बर बहुत बच बचा कर थोड़ी सी दी गई है और इसमें जो फोटो दिया गया है आप ये मत समझिएगा कि ये है जो मंज़र पेश किया जा रहा है ये हेलोइन तकरीब का इनक़ाद किया गया है और हेलोविन तकरीब का इनका उस रियाज़ में किया गया है जिसके बारे में नबी पाक पाकाम ने यमामा के बारे में और रियाज और उसके इलाक़े के बारे में ये फरमा दिया गया था फरमा दिया था कि यही वो जगह है ये वो इलाका है जहाँ से शैतान की सींगे नमूदार होंगी फितने नमूदार होंगे तो सबसे पहला फितना तो वो था जो नबी पाक सलाम ही के आखिरी दौर में नमूदार हो गया था कि कज़ाब उसी इलाके से उसी इलाके से जो रियाज़ का और उसके इर्द गिर्द का इलाका है उससे सबसे पहला ये नबूवत ज़ाहिर हुआ जिससे अबू बकर रज़ील् तैन को जंग लड़नी पड़ी और हज़ारों हज़ारों अफराद उस मुजरम के मारे गए और सैकड़ों अफराद मुसलमानों के शहीद हुए ये पहला वाक़ था और उसके बाद इसी रियाज की किस्मत में ये लिखा था कि अब आखिरी दौर में यहाँ पर मुसलमानों की दौलत लूटी जाएगी अयाशी की जाएगी बेशर्मी के मुजाहरे होंगे यहाँ पर ईसाइयों के त्योहार मनाए जाएंगे यहाँ वसनीत परस्ती होगी यहाँ खुलकर शर्क का इजहार होगा यहाँ वो अमल किए जाएंगे जिनसे ईसाई दुनिया भी पनाह मांगती है मैं आपके सामने वो तफसीत पेश करूँगा ताकि आप पूरी संजीदगी के साथ हकायक को समझें और ग़ौर करें और अपने मौक़ को वाजे करें तो मैं पहले तो सरफी मदारस के तलबा से कहता हूँ कि तुम्हारे अंदर इतनी गैरत होनी चाहिए इतनी जरत होनी चाहिए इतनी सच्चाई होनी चाहिए तुम हदीसें पढ़ते हो और क़ुरान पढ़ते हो तुम अपने अपने जिम्मेदारों से सवाल करो जो चंदा लाते हैं सऊदी अरब से और जो वहाँ के दिरहम और दीनार और रियाल के ग़ुलाम बने हुए बेहया बन गए हैं बेशर्म बन गए हैं उनसे सवाल करो कि कुरान ये कहता है और हुकूमत यह कर रही है हदीस ये कहती है और आपकी हुकूमत यह कर रही और आप फिर उसकी तारीफ़ करते हैं आपके अंदर इतनी जुरत नहीं है कि आप उसके ख़िलाफ़ ज़बान खोलें اس امت کا وجود کس لیے ہے اللہ نے امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، تمام انسانوں کے لیے اس امت کو برپا کیا تمام अगर मुस्लिमों को रोको मुस्लिमों को रोको यहूदियों ईसाइयों को रोको इंसानों के दरमियान हक की बात करो ये हुक्म है तो ज़ाहिर है कि जो इंसानों के दरमियान बात करना तो दूर की बात वो मुसलमान जाली मुसलमान झूठे मुसलमान दज्जाली मुसलमान उनके दरमियान भी जो अम्र बिलमूफ और नहीं अनिल मुनकर की बात ना करे इसलिए कि यह तो जेल जाना होगा या चंदा बंद हो जाएगा और यह ताल्लुक़ बाकी नहीं रहेंगे जो ऐसा कर रहा है उसके बारे में खूब अच्छी तरह से याद रखिए कि कुरान पाक क्या कहता है कुरान साफ़ तौर पर ये बता रहा है कि जब कुछ लोगों ने उनसे कहा कि जो नसीहत कर रहे थे जो गलतियों पर टोक रहे थे जो बुराइयों पर नकीर कर रहे थे उनसे कहा कहातमत उमिन क़मन अल्लाह महलिकम अउम अज़ब हम अजाबन शदीद जब बहुत से लोगों ने उनसे कहा जो दावत दे रहे थे जो असलाह की बात कर रहे थे जो अम्र बिलमूफ़ और नहीं आन करके फरीजा अंजाम दे रहे थे कि भाई ऐसे लोगों को नसीहत क्या करते हो जिनको अल्लाह तबाह करके रहेगा और उनको अजाम देगा अल्ला की तरफ से उन पर अज़ाम आखिर रहेगा क्योंकि मुक़दस सरजमीन को ये नजिस और नापाक बनाने पर तुले हुए हैं और इस्लाम के इस महफूज हरम को ये इस्लाम दुश्मनों के हवाले करने पर तुले हुए हैं तो उन्होंने जवाब में कहा आलू उन्होंने कहा कि ताकि हम अपने परवरदिगार की बारगाह में उज्र पेश कर सकें कि जो हमारे बस में था वो हमने किया हमने बात कही और शायद शायद इनको भी हो शायद शायद ये गलत बातों से बचें शायद ये तोबा कर लेकिन वदीमू बेअिम कनू यून लेकिन जब उन्होंने बात नहीं सुनी और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया जब वो होश में नहीं आए और जो नसीहतें की जा रही थी उनको फरामोश कर दिया तो जो लोग नहीं अनिल मुनकर कर रहे थे जो गलत बात पर टोक रहे थे जो उस पर नकिर कर रहे थे हमने उनको नजात दे दी और बाकी जो भी जालिम थे जालिमों के साथ शरीक थे और हक की बात नहीं कह रहे थे उनके फजूर की के नतीजे में हमने उनकी सख्त पकड़ की उनकी पकड़ की गई फिर मजीद फलम अनहु अमू आन कलु किरा दसिन और जब उनका हाल ये हुआ कि उनको रोका जाता रहा टोका जाता रहा जो भी सालेह अफरा थे वो कहते रहे कि ये गलत हो रहा है कभी ये बात सलमाना ने की कभी सिफरल हवाली ने की कभी सालेह अबू अल ता, ता, तालिब ने की कभी किसी ने की जिसने भी ज़रा हिम्मत की और ये कहा कि ये गलत हो रहा है लेकिन वो अपनी सरकशी पर आमादा रहे जिन्होंने टोका उन्हीं को जेलों में डाल दिया तो फरमाया कुल न तो हमने इन जालिमों और मुजरिमों और मलूनों से कह दिया कि अब तुम जलील बंदर बन जाओ अल्लाह ताला तुरान पाक में यह काय खोल खोल कर बयान करता है वहीदा अरदना का जब हम तय कर लेते हैं इरादा करते हैं कि किसी इलाके को किसी मुल्क को किसी बस्ती को हलाक कर देना तो अमर नाम उतरफ़ी है तो उसके जो ऐयाश लोग हैं दौलतमंद जो बड़े मालदार बने हुए हैं उनको हम हुक्म करते हैं कि शरीयत पर अमल करो दीन पर अमल करो और हया अख्तियार करो हम हुक्म देते हैं लेकिन वो हुक्म नहीं मानते फूफी हा वो वो अहकाम नहीं मानते इतात नहीं करते मुखालफत करते हैं वो अपनी गलत बातों पर अड़े रहते हैं फकूफी फल़ुल अब हमारा फैसला नाफिज हो जाता है फदम मरना है तजमीरा फिर हम उसे तबाह कर देते हैं उसकी ईट से ईट बजा देते हैं वो भी याद रखिए यही हाल हाल सऊद का होने वाला है यही हाल सऊदी हुकूमत का होने वाला है मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ और अल्लाह के यहाँ देर होती है अंधेर नहीं अल्लाह के यहाँ पकड़ हो के रहेगी इस, इस मुकद्दस सरजमीन को जो नापाक कर रहे हैं और जो उसको जुल्म से भर रहे हैं और जिन्होंने नेक और साले अफराद को जेलों की सलाखों के पीछे डाला है और जिन्होंने मुसलमानों की दौलत को जो उनके बाप की दौलत नहीं है जो मुसलमानों की दौलत है जो बैतलमाल का माल है उसके साथ जिन्होंने याशियाँ की हैं बदमाशियाँ की हैं एक एक रात में मिलियनों उड़ाया है और अपने अपने जिनसी जराइम के लिए उनका इस्तेमाल किया है वो बच नहीं पाएंगे मैं मैं बड़े इदारों के तलबा से कहता हूँ अब बड़ों से तो कहते कहते थक चुका हूँ मैं नदवीमा के तलबा से कहता हूँ मैं दार्लूम देवबंद के तलबा से कहता हूँ कि क्या अब ये सब होने के बावजूद जब वो वो फेस्टिवल वो त्योहार मनाया जा रहा है जो ईसाइयों के यहाँ पहले था और ईसाई भी जो बिगड़े हुए थे जो वसनीत परस्त थे जो शिरक करते थे उनके दरमियान होता था और उसके बाद फिर पोप ने उस त्यौहार पर पाबंदी लगाई जो तारीख़ इसकी है देख लीजिए जो भी मालूम नेट पे मौजूद है किताबों में मौजूद है इनसाइक्लोपीडियाज में मौजूद हैं देख लीजिए कि हालोविन एच ए डबल एल ओ डब्लू डबल ई एन ये उसकी स्पेलिंग है इसको डाल कर देख लीजिए क्या मालूम आ रही हैं हमारे पास जो मालूम मौजूद है तारीख़ दानों का कहना है कि ये त्यौहार था जो कबल अज मसीह बरतानिया में आयरलैंड में और शमाली फ्रांस में मनाया जाता था और जहाँ सेल्टिक कबायल हर साल 31 अक्टूबर को यह त्यौहार मनाते थे और उनके रिवाज के मुताबिक नए साल का आगाज़ यकुम नवंबर से होता था उन कबायल का यह अक़ीदा था यह त्यौहार जो कबायल मनाते थे उनका यह अक़ीदा था कि नए साल के शुरू होने से पहले की रात यानी 31 अक्टूबर की रात को जिंदा इंसानों मरने वालों की रूहें दुनिया में आकर इंसानों माल मवेशियों और फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं रूहों को खुश करने के लिए सेल्ट कबाइल 31 अक्टूबर की रात आग के बड़े बड़े अलाव रोशन करते थे अनाज बांटते थे और मवेशियों की कुर्बानी देते थे इस मौके पर वो जानवरों की खालें पहनते थे और अपने सरों को जानवरों के सींगों से सजाया करते थे आठवीं सदी में इन इलाकों में जब मसीहत का गलबा हुआ तो उस कदीम त्यौहार को ख़त्म करने के लिए पोप बोनीफेस ने बोनीफेस ने यकुम नवंबर को तमाम बरगुजीदा शख्सियात का दिन करार दिया यानी उधर ये था कि बदरूहें आती हैं शैतान चुड़ैल आते हैं तो जो शैतान की पूजा पाठ करते थे और जो उन रूहों की पूजा पाठ करते थे वो इस त्यौहार को इस तरह मनाते थे कि मुख्तलिफ मुख्तलिफरावनी शक्ल इख्तियार करते कि इस तरह हम उन रूहों को भगा देंगे और एक हॉल तारी कर देंगे तो ज़ाहिर के इससे ईसाइत भी बदनाम हो रही थी तो पोप बोनीफे चारुम ने 11 नवंबर को तमाम बरगुज़ीदा शख्सियात का दिन करार दिया और ये दिन उस दौर में अल हलोज एव्स कहलाता था जो बाद में बिगड़कर कर बन गया और कलीस्ा की कोशिशों के बावजूद इस त्यौहार को ख़त्म नहीं किया जा सका और फिर ये त्यौहार आगे बढ़ता चला गया उन्नीसवीं सदी के आखिर तक अमेरिका में हालोविन पार्टियां आम होने लगीं जिनमें बच्चे और बड़े शरीक होते थे इन पार्टियों में खेल कूद और खाने पीने के साथ साथ डरावने कॉस्ट्यूम पहने जाते थे उस दौर के अखबारों में इस तरह के इश्तहार शाये होते थे जिनमें ऐसे बहरूब धारने वालों की हौसला अफजाई की जाती थी जिन्हें देख लोग दहल जाएँ तो बहरहाल ये हालोविन अमेरिका में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है अब इस वक्त जिसमें गली कूचों बाजारों सैरगाहों और दीगर मकामा पर जा बजा डरावने चेहरे और खौफनाक लबादों में मलबूस छोटे बड़े भूत और चुड़ैलें चलती फिरती दिखाई देती हैं अक्सर घरों के बाहर बड़े बड़े कद्दू पेठे नज़र आते हैं जिन पर हैबतनाक शक्लें तराशी गई होती हैं और उनके अंदर मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं कई घरों के बाहर डरावने ढांचे खड़े दिखाई देते हैं और उनके करीब से गुजरे तो वे खौफनाक कहकहा लगाकर लगा कर दिल दहला देते हैं तो ये एक वसनीत प्रस्ताना और मशरकाना त्यौहार मसीहत के दौर से पहले था फिर मसीहत में दाखिल हो गया और आवाम जैसे बहुत सी रसूमात और बिदात इख्तियार करते हैं वैसे ही ये ईसाइयों की बिदात थी ये आम लोगों की वो बिदात थी और वो ये समझते थे कि चुड़ैलें और बुरी रूहें आ जाती हैं अब उन रूहों को भगाने के लिए उनको ऐसी ड्राउनी शक्लें इख्तियार करनी है। अरे क्या ये सारी बातें सुपरस्टिशन्स की तोहमत की खुराफात की हैं और ये खुराफ़ात दुनिया में अगर ऐसी जगह हो जहाँ मुशरक़ाना उद्यवालाई निज़ाम है तो तजुब नहीं होता लेकिन वहाँ जहाँ बात किताब सुन्नत की बार बार की जाती है यानी धोखा देने के लिए फ़्रॉड करने के लिए दज़लो फरेब के लिए जहाँ हवाला किताब सन्नत के दिया जाता है मैं तो ये कहता हूँ कि किताब का जब हवाला होता है तो दर हकीकत दर पर्दा तलमूद मुराद होती है और जब सुन्नत का हवाला होता है तो दर पर्दा मगरबी जदा अफ़राद बल्कि यूँ कहिए कि इस दौर के ट्रंप इस दौर के ट्रंप जैसे दयूस और उसके खानदान के और उसके ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की सुन्नत मुराद होती है आप आप जो हैं इससे चिड़ते हैं इससे बजाय चिड़ने के संजीदगी से सूरत हाल को समझने की कोशिश कीजिए अभी आप देख रहे हैं कि जो बाइडन से जो एक ज़ाहरी मुकाबला हो रहा है और जिस पर बहुत से भोंदू गधे जाहिल खुशी का इजहार कर रहे हैं कि देखिए सऊदी अमरीका को आंखें दिखा रहा है और उसको उसने तेल बंद कर दिया है इससे बड़ा कोई दज्लो फरेब नहीं है सऊदी हुकूमत जो है अमेरिका की जूतियों में है जिस वक्त अमेरिका चाहेगा उसे रोंब के रख देगा लेकिन चूंकि इस वक्त मसला इलेक्शन का करीब आ रहा है और झगड़ा जो बाइडन और ट्रंप का है और सऊदिया की हुकूमत ट्रंप की मुरीद है सऊदिया की हुकूमत कोशनर के, के साथ खड़ी है और क्वेश्चन इसराइल का नुमाइंदा है ट्रंप इसराइल का खास नुमाइंदा है वही है जो सऊदीया से नजराने लेकर तलबीब गया था और तलबीब से वेटिकन सिटी गया था तो सऊदी हुकूमत को ट्रंप पसंद है क्योंकि वो सबसे बड़ा याश है उसके आप वीडियोस देख लीजिए तो आप चीख पड़ेंगे लाहौल पढ़ेंगे, ला पढ़ेंगे कि वो इतना गंदा आदमी इतना नापाक आदमी इतना अयाश आदमी तो ऐसे अयाश से आल सऊद की अयाशों की दोस्ती है और उसके ख़ानदान की औरतों से जो बिगड़ी हुई उरिया खाती उनसे दोस्तियाँ और कोशनर जो सबको मालूम है कि यहूदियों का सबसे बड़ा नुमाइंदा है और उस इसराइल का वो सबसे बड़ा मुहाफ़ बना हुआ है एजेंट बना हुआ है उससे मोहम्मद बिन सलमान की गहरी दोस्ती है कोई भी तफसी देखना चाहे तो वो देख सकता है ये वो पस मंजर है जिस पस मंजर में हर वो काम किया जा रहा है जिससे ट्रम्प जैसे लोग खुश हों जिससे सहयूनियत खुश हो जिससे सलीबियत खुश हो जिससे जिस जो सही ईसाइत है या कम से कम जिसमें कुछ भी कदरें बाकी वो भी शर्मिंदा हो जाए तो ईसाइत भी इस फेस्टिवल को कबूल नहीं करती और कहती कि गलत है ये बिल्कुल मशरकाना है ये ये तोहमत परस्ती का निशान है और हम इसको तस्लीम नहीं करते और रूहों के सिलसिले की ये सारी बातें गलत है तो वो ये कहते हैं ईसाई भी इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं वो भी कम अज़ कम अपनी कदरों का लिहाज रखते हैं अपनी अकीदों का लिहाज रखते हैं लेकिन अल सऊद की का जो तसफुल है जो इन्हितात है जो गिरावट है और जिस तरह से इनके अखलाक तबाह हो गए हैं और मुसलत हो गई है और इनको नाच गाने चाहिए औरतें चाहिए और इनको इस तरह के मशरकाना रसूमत वाले त्योहार चाहिए अब इनका दिल इसी में लगता है और पूरी कौम को ख़ासतौर पर नौजवान लड़कों और लड़कियों को ये मुलवस कर देना चाहते हैं आप इसके फ़ोटो देखिए जो रियाज़ में प्रोग्राम हुआ है कल जो प्रोग्राम हुआ है आज भी होगा और कल भी होगा तीन दिन में प्रोग्राम चलता रहेगा आप उसके तमाम फोटो निकाल के देखिए नौजवान लड़के और लड़कियाँ बस ये बस ऐसे मुजरिमाना अमल में मुबतला है कि जिस पर अल्लाह की लानत फ़रिश्तों की लानत अम्बिया की लानत कुरान की लानत वो मनाजिर है यानी इस वक्त आल सऊद की लानतें इतनी छा गई हैं और गालिब आ गई हैं कि एक अदना मुसलमान भी चीख रहा एक अदना मुसलमान भी ऐसा लग रहा है उसको कि उसकी गैरत को छेड़ा जा रहा है और इस्लामी अहमियत का खात्मा किया जा रहा है यह सबका एहसास है इस एहसास के मौके पर मैं कहूँगा देवबंद और नदवे के तलबा से बरसगी में बात कर रहा हूँ और पाकिस्तान में मदारस के जो तलबा हैं वो अपने नाजिमों से और मोहतमों से पूछें कि क्या अल्लाह का हुक्म नहीं है अमर बिल्माफ और नहीं अनिल मुनकर का क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया कि जो यह या याशियाँ करेंगे उन्हें हम बर्बाद कर देंगे क्या अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि जो रोकेंगे हम उनका तहफुज करेंगे और जो चुप रहेंगे खामोश रहेंगे इनसे ताल्लुक़ रखेंगे उनको हम सख्त हजाब में पकड़ेंगे क्या ये अल्लाह ने नहीं कहा कुरान में क्या अल्लाह ने नहीं कहा वाला तरकनदीन म फतकार ालिमों की तरफ रुझान भी इख्तियार मत करना वरना दो वक्तों में पकड़ के रहेगी क्या कुरान ये नहीं कह रहा है क्या नबी इन बेहियों से अपनी नाराजगी का इजहार नहीं करते क्या वो लानत का तस्करा नहीं फरमाते क्या कुरान ये नहीं कहता कि लुअन इसरा आलासानी दाबूदी मरियमी फाल अल्लाह ने फरमाया कि बनी इसराइल पर अल्लाह की लानत हो अंबिया ने उन पर लानत की म, लानत बरसाई क्यों इसलिए नाफरमिया की नाफरमिया की और फलंग इन फाल एक दूसरे को वह मना नहीं करते थे मना नहीं करते थे यानी इस उम्मत के वजूद का जो सबब है वह है

इन गिलाफों को नीचे कर दे वो नंगे हो जाए बेहतर है कि वो नंगे हो उनकी पहचान हो जाए वो इस तरह के गिलाफ ओढ़कर धोखा न दे इसलिए मैं नौजवानों से कह रहा हूं तलबा से कह रहा हूं कि कब तक खामोश रहोगे बेग़ैरती तुम्हें पढ़ाई जा रही है निफाक तुम्हें सिखाया जा रहा है उम्मत की शनाख्त से तुम्हें हटाया जा रहा है तुम बात करते हो कि हुकूमत हमारा तशखस छीन रही है और बयान आता है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आज आएगा तो इसका मतलब हमारा तशख छिन जाएगा तुम्हारा तशखस मक्के और मदीने में छिन रहा है तुम्हारा तशखस जज़ीरतलरब में छिन रहा है तुम्हारा तशखस तुम्हारे हुक्मरानों के जरिए छिन रहा है तुम्हारा तशखुस तुम्हारे मौलवियों के जरिए छीन रहा है उस पर तुम्हारी खामोशी तुम्हारी बेगैरती बेहमीयती, बेशर्मी पर दलील है तुम पहले अपनी इस बेशर्मी से निकलो पहले अपने घर की खबर लो और सख्तरीन बयान दो मैं कहूँगा इस मौके पर मौना खालिद सैफुल्ल रहनी से कि माशाला कुछ जरुत का मुजाहरा फरमाते हैं ये जो कुछ होलोवेन का प्रोग्राम रियाज में हुआ है वैसे ही सख्त बयान इस पर दें जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आज अखबार में उनका बयान आया है यही कहूँगा शिया साहिबान से बरेलवी साहिबान से और तमाम मशाइख और से और मुफ्तिया कराम से जो बैठे रहते हैं कि कहाँ ज़रूरत है किसी को नुकसान पहुँचाने की उम्मत को तबाह करने की तोड़ने फाड़ने की वहाँ इनका दिमाग चलता है कलम चलता है लेकिन ये मुजरिम खामोश हो जाते हैं जब ये देखते हैं कि हरम शरीफ को नापाक किया जा रहा है और जब ये देखते हैं इनको मालूम होता है कि सरजमीने जजीरतुलरब को नापाक किया जा रहा है और वहाँ वो जर्म किए जा रहे हैं वो रस्में इख्तियार की जा रही हैं जो मुशरक़ाना हैं इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है यहाँ छोटी छोटी रस्मों को बेदत कहते हैं और वो मुजरिम खबीस जो अपने को वहाबी कहते हैं वो कहते हैं नबी का जलसा बेदत है रबी अलाव्वलमीलाद के जलसे बेदत है ये बेदत है लेकिन ये ये जो कुछ हो रहा है ये बेदत नहीं है ये बेशर्मी ये बेहयाई ये इलाहाद ये तहरीत ये सहयूनीत ये सलीबियत ये उनके नज़दीक बेदत भी नहीं है इसके बारे में उनकी ज़बानें नहीं खुल रही हैं, बल्कि हो सकता है कि कि शायद ये कहें कि ये कहें तो तफरी है एक मासूम सी तफरी है। हो सकता है कि ये बयान आ जाए इमाम हरम का हो सकता है बयान आ जाए मुफ्ती आजम का बीद नहीं है इससे पहले बड़े बड़े मजालिम पर उन्होंने बयान दिए और छूटे बयान दिए ऐसी शक्ल में जरूरत इस बात की है कि पूरी दुनिया के मुसलमान अपने गुस्से का इजहार करें और इसका मुतालबा करें कि इस हुकूमत को बर्खास्त किया जाए और पूरी दुनिया के केमा मुफ्तियान, मशाइ सब मिलकर कर यह मुतालबा करें कि इस अश और बदमाश और जालिम और मुजरिम हुकूमत का खात्मा होना ज़रूरी है वरना यह सिलसिला बढ़ते बढ़ते न मदीन मनवरा को बाकी रहने देगा ना मक्म मुकरमा को क्योंकि जद्दा को इन्होंने अयाशियों का डबना दिया है और इधर रियाज तो मरक़ है इन तमाम अयाशियों और बदमाशियों का और बाकी जाहिर है कि जब रियाज़ में और जद्दे में ये सारे फेस्टिवल हो रहे हैं इवेंट्स हो रहे हैं और फ़िल्में दिखाई जा रही हैं और अदाकार और अदाकार नंगी बुलाई जा रही हैं जो वहाँ गाने भी गा रही हैं और अपने नंगे पन का मुजाहरा कर रही हैं सब देख लीजिए तफसील से ताकि ये ना हो कि ये बातें कही जा रही हैं जो खिलाफ वाक़ आज सबको ये मालूम है बच्चे बच्चे को मालूम है लेकिन गैरत ख़त्म हो गई है और इस गैरत को ख़त्म करने के मुजरिम वो मौलवी हैं जो हम पर मुसलत हो गए हैं वो मौलवी हैं जिन्होंने मदरसों पे कब्जे कर रखे हैं और दारुल दारफ्ताह पर जो काब बन गए हैं पहले इनसे इनका तखलिया किया जाए उसके बाद उम्म शायद सही रास्ते पर आगे बढ़ सकेगी वाखिर दाना अंजलिल्लाब